देखिए अल्लाह की कारीगरी संगतर चूर करा लोग कहीं जगह रे तला उड़ी मस उड़ी संगतर ऐसे हम उड़ी हूँ संग। हाँ, जो एक बात हमने देखी कि गर्मी यहाँ पे है श्रीनगर से बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ और मेरे साथ हसबी वादा मिस्टर फेरोज सर। आज संडे है और सुबह के तकरीबन 7:50 हुए हैं। ये है फयाज सर और ये है जमशेद सर, फेरोज सर और मैं। आज हमें जाना है उड़ी, क्योंकि आज संडे होता है हमारा मनोरंजन का प्रोग्राम, तो आज हम जाएंगे उड़ी। मैं इस वक्त वाइल ब्रिज पर हूँ, ये बोर्ड आप देख सकते हैं, उड़ी तक हमें 101 किलोमीटर दिखा रहा है, ये देखिए। आज हम सलामाबाद उड़ी कमान पोस्ट कमान अमन सेतु पुल को देखने जा रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह। मौसमी सरमा चल रहा है और आज के मौसम में सफ़र करने का कुछ अलग ही मज़ा है। देखिए बाहर धूप खिली है, ये पेट्रोल पंप खुला है सुबह सवेरे, हमने तेल डाल दिया है गाड़ी में। मैं नीचे आया और मैंने सोचा कि आपको कुछ ख़ास नज़ारा करवाऊँ। देखिए ये है सूरज, सुबह का नज़ारा सूरज का, बहुत ही लाल और बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग नज़ारा हमें देखने को मिला है यहाँ पे। आप इस सूरज का नज़ारा कीजिए, देखिए अल्लाह की कारीगरी क्या है। आज के सीज़न में, आज के मौसम में हमें सूरज कैसे दिखता है। सुंबल से हमने सोपोर की तरफ रूट लिया है। तो दोस्तों यह है ज़िला बारामूला का सबसे फेमस टाउन सोपोर, जामिया मस्जिद शरीफ सोपोर हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई दुकान खुली नहीं है। सर्दी के डर से निकले न घर से हर एक बशर गुम, सर्दी के डर से। लेकिन एक टांगा वाला दिख रहा है हमें, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकला है। सोपोर से हमने संग्रामा रूट लिया है और यह है फ्रूट मंडी सोपोर, फेमस फ्रूट मंडी है। यह है जामिया मस्जिद शरीफ, यहाँ पे फ्रूट मंडी में बहुत ही खूबसूरत जामिया मस्जिद है माशाअल्लाह। यह है बारामूला ब्रिज और वहाँ से हमें एक और जामिया मस्जिद दिख रही है। यह है बारामूला मार्केट, लेकिन यहाँ भी वही हाल है जो सोपोर में था। सर्दी की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं सुबह, सारी दुकानें बंद हैं, अभी तक कोई दुकान खुली नहीं है। देखिए यह है बारामूला टाउन। अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे और हमारी तलाश है अब चाय की दुकान, देखते हैं कहीं कोई चाय की दुकान खुली तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ की चाय ज़रूर पियेंगे। ये तंदूर की रोटी, ये गए 6:05 मज तेज़ पकान वेस्टस कुन, मगर अचानक वह अख्ताब खसान वेस्ट किन, एक्चुअली ईस्टस कुन। अब हम शीरी बारामूला पहुंच चुके हैं, यह है शीरी बारामूला ब्रिज। तो दोस्तों हमने बारामूला से उड़ी की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया है। इस रोड का नाम जहलम वैली रोड है। ये रोड कश्मीर को बाकी दुनिया से मिलाने वाले सबसे कदीम रास्तों में से शुमार होता है और इसको मशहूर सिल्क रूट का हिस्सा समझा जाता है। मुगल हुकूमत के वक्त में भी ये रूट काफी अहमियत का हामिल था। 19वीं सदी में इस रास्ते को बैल गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाया गया और 1906 में ये मोटर गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया गया। जब खलियान दा खास नाला इस पुल पर तामीर किया गया, ये रास्ता कश्मीरी आवाम के लिए तिजारत और आमदरफ्त का खास जरिया था, मगर 1947-48 में कबायली हमलों के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया, जिस दौरान खलियान दा खास नाला और दीगर कई अहम पुल तबाह हो गए। लेकिन अब इसी जगह पर अमन सेतु नामी एक पुल की तामीर की गई है। 7 अप्रैल 2005 को इस पुल के जरिए आर पार तिजारत शुरू की गई। तो दोस्तों ये पहुंचे हम उड़ी, जिला बारामूला का टाउन और तहसील। ये दरिया जहलम के बाएं जानिब वाका है और बारामूला से 23 किलोमीटर दूर है। ये दो तहसील पर मुश्तमिल है, तहसील उड़ी और तहसील बुनियार। ये इलाका 4 ब्लॉक्स पर मुहित है, उड़ी, चंदनवाड़ी, बुनियार और जुला।
कमान पोस्ट के लिए हमने यहाँ पे परमिशन रिसीव किया। ये है ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर सलामाबाद उड़ी। जब यहाँ ट्रेड होता था आर पार और यहाँ पर ट्रक से लदा हुआ सामान एक्सचेंज किया जाता था और इसीलिए यहाँ पर ट्रेड सेंटर रखा गया था। इस रास्ते से होते हुए कई मणि ऋषि और सूफी बुजुर्ग कश्मीर आए हैं। इनमें शरफुद्दीन हजरत अब्दुर्रहमान बुलबुल रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद खास हजरत कमालुद्दीन बल्खी भी शामिल हैं, जिनका आस्थान आलिया सेतु पुल के बिल्कुल करीब में वाका है। तो दोस्तों, बिलाखिर हम कमान पोस्ट पहुंच चुके हैं। यहां से अब हमें आगे पैदल जाना पड़ेगा सिर्फ 150 या 200 मीटर। यहां पर हम देख रहे हैं कुछ बोर्ड्स रखे गए हैं। इन बोर्ड्स पे इस पुल के रिलेटेड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, री ओपनिंग ऑफ जहलम वैली रोड, पूरी तफसील दी गई है इस बोर्ड पे। यहाँ पर हजरत कमालुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान आलिया है जो अभी हमने जिक्र की थी। इससे पहले हम यहाँ जो म्यूज़ियम है उसका भी विज़िट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मोबाइल फ़ोन चलाना मना है। तो ये है वो बोर्ड जहाँ से हमें आगे जाना है, लेकिन सिर्फ 30 मिनट का वक्फा है। यहाँ पर हम कुछ मुजस्मे देख रहे हैं जो बड़े फौजी ओहदेदारों के मुजस्मे हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कारनामा अंजाम दिया है। यह है मोहम्मद मकबूल शिरवानी, उनका मुजस्मा भी यहाँ रखा गया है। तो थोड़ी दूर जाके हमें नजर आ रहा है वो रहा कमान अमन सेतु पुल। ये देखिए कमान अमन सेतु पुल, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। और वो देखिए, वो है पाकिस्तानी रोड। जब बस सर्विस शुरू हुई थी, आर पार बसें जाती थी, मुसाफिर आपस में मिलते थे अपने रिश्तेदारों दोस्तों अहबाब से। तो ये देखिए फयाज सर और जमशीद आरिफ साहब, और ये देखिए फैरोज साहब, यहाँ पर ये नज़ारा कर रहे हैं इस पुल का। कमान अमन सेतु जो ब्रिज है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो ये है वो ब्रिज और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आर पार बिल्कुल ही वो है पाकिस्तान और ये है इंडिया। जो मुजफ्फराबाद की चकोटी है 2 किलोमीटर है और मुजफ्फराबाद जो है 52 किलोमीटर्स है, 52 किलोमीटर्स दूर है, और इस्लामाबाद यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। 118 किलोमीटर हमने श्रीनगर से तय किया है और बारामूला से 55 किलोमीटर हमने यहाँ तक सफ़र किया है। जमशीद साहब, आप बताएं कि आप यहाँ आए तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मज़ा आया। पहली बार मैं यहाँ आया हूँ जी, कश्मीर का एक और पार्ट देखने का मौका मिला अपने दोस्तों के साथ, खूब बड़ा एंजॉय किया। बहुत अच्छी जगह है, बड़ा मज़ा आया मुझे यहाँ। बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है जो कश्मीर हमारा है, दूसरे अल्लाह के भी खूबसूरत है और ये भी वैसा है, लेकिन यहाँ डिफरेंट ये है कि यहाँ का मौसम जो है वो गर्म है, हमारे दूसरी जो वादी है उससे गर्मी है यहाँ पर। यहाँ का मौसम जो है ये उससे मुख्तलिफ है यहाँ, और इसका जो अल्टीट्यूड है वो हमारे से काफ़ी नीचे है, इस वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। और मौसम यहाँ पर जब हमने पता किया कि आम लोगों से यहाँ पर बहुत कम बर्फ़ पड़ती है, मामूली सी बर्फ़ पड़ती है, और ये इलाका गर्म है हम बनस्बत की जो हमारे कश्मीर के दूसरे इलाके हैं। आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील करते हो आप? शरीफ साहब, जैसा कि आपने बोला कि खूबसूरत इलाका, मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ, और यहाँ जो एक बात हमने देखी कि गर्मी यहाँ पे है श्रीनगर से बहुत ज़्यादा है, तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे अल्टीट्यूड डाउन है और 19 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे इस वक्त। हमने एंजॉय भी किया यहाँ पे, दोस्तों के साथ आए थे हम यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आया हमें। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि जो वक्त दिया गया था तकरीबन वो ख़त्म हो रहा है। हरियाली देखो भाई क्या है, यह है ड्यू टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। यहाँ पर हम देख सकते हैं फूल, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर अच्छा है। फैरोज साहब को जुनून आया गर्मी की वजह से, इसने जैकेट की चेन भी खोल दी है और फयाज सर ने भी जैकेट की चेन खोल दी है। विश यू ए हैप्पी जर्नी। तो दोस्तों, इस गेट से हम निकल रहे हैं
अब हम उड़ी बारामूला की तरफ जा रहे हैं। वेलकम टू उड़ी सेकंड पावर हाउस। यहाँ पे आप देख सकते हो उड़ी सेकंड पावर हाउस का डैम सलामाबाद में। यहाँ बंदी विलेज में एक घर के आंगन में हमने एक ऑरेंज का खूबसूरत पेड़ देखा। क्या संगतर चूर करा है? उड़ी में हम एक घर में आए हैं, उनके आंगन में हमने देखा कि यहाँ पर ये ऑरेंज का एक पेड़ है और हमने उनसे लिए हैं इसके फल, देखते हैं। और लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी है, यहाँ का टेम्परेचर जो है इसकी वजह से ऐसा मुमकिन है जी। हम बारामूला टाउन पहुंच चुके हैं और हम चाहेंगे कि बारामूला टाउन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। कबूतरों को भेजने के लिए रखा गया है और ये देखिए खरीदो फरोख्त हो रही है बारामूला टाउन में। सोपोर में हम पहुंच चुके हैं और हमने यहां सोपोर में चाहा कि हम इस फ्रूट मंडी का नज़ारा करेंगे। यह है कश्मीर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर। यहां पर काफ़ी चहल पहल रहती है लेकिन आज संडे है, आज उतना रश नहीं है। देखिए यह है व्यापारियों के स्टॉल्स लगे होते हैं यहां पे। यह है सुंबल मार्केट, ये बंद हो चुका है क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बिताया है सोपोर मार्केट में, यहाँ तक कि बहुत देर हो चुकी है। अब हम सीधे चले जाएंगे अपने घर की ओर। तो दोस्तों जमशेद साहब को हमने ड्रॉप किया है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टॉप पर पहुँच चुका हूँ। तो ये है फेरोज़ भाई और फयाज सर, इनसे रुख्सत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। आपको यह व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।